गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। दिया गया क्वेश्चन आपका दे दिया गया, हम लोग को सत्यापित करना है, सिंपल बात है, साबित करना है a+b transpose = a transpose + b transpose। तो हम लोग एलएसएस लेकर के और उसके पहले हम लोग a+b निकालेंगे। तो जब यहाँ से लीजिएगा a+b, ठीक है, यहाँ ट्रांसपोज देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन हम लोग को निकालना है पहले a+b निकालना है। देखिये a+ जब b निकालेगा यहाँ से तो हम लोग दोनों वैल्यू को ऐड करना होगा, यहाँ लिख सकते हैं आप 5, 6, -1, 7। फिर b का वैल्यू आपका दे दिया गया है 2, 1, 3, 4। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड करने के लिए बता दिया गया है a+b = क्या हो जाएगा, यानी पहला कॉलम यानी 5, 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 1 में से 1 घटेगा तो क्या होगा आपका 0 आएगा ये तो, और उसके बाद होगा 6 और 3 कितना होगा 9 होगा, और यानी 7 और 4 कितना होगा 11 होगा। अब हम लोग को ट्रांसपोज के रूप में निकालना है, तो आप लोगों को पहले ही बताएगा कि रो वाले कॉलम में कॉलम वाले रो में जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा a+b ट्रांसपोज में लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7, 0, 9, 11, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने जो फर्स्ट वीडियो बना हुआ है उसमें थोड़ा सा एक जगह मिस्टेक हो गया है, जहां लिखना था 5 लिखा गया थी। देखिए अब हम लोग को RHS निकालना है, तो RHS निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग ने a transpose + b transpose, तो यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि जो यहाँ रो में होगा उसको कॉलम में बदलना है, कॉलम वाले को रो में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा 5 और -1 हो जाएगा 5 -1 और ये हो जाएगा 6, 7, ठीक है। फिर प्लस दीजिएगा, इसको भी तो चेंज करेंगे 2, 1, 3, 4। अब इसको क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, ध्यान दीजिएगा 5 और 2 कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, 6 और 3 कितना होगा 9 होगा, और यहाँ -1 है +1 तो -1 और +1 आपका क्या होगा 0, फिर 7 और 4 कितना आ जाएगा 11। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसलिए LHS है RHS = LHS, दोनों इक्वल आ गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है 5.2 नंबर क्वेश्चन, बहुत ईजी है अभी, तो हम लोग LHS लेंगे ना यहाँ से LHS क्या निकालना है 3b और ये ट्रांसपोज के रूप में निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले 3b निकालेंगे, यहाँ से पहले 3b आप निकाल लीजिएगा 3b, यानी 3 में b के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b का वैल्यू यहाँ पर दिया है 2, 1, 3, 4, मल्टीप्लाई जब कीजिएगा यानी गुना कीजिएगा तो कितना होगा 6 होगा, 3 में 1 से 3, फिर 3 में 3 से 9, फिर 3 में 4 से 12, ये ना होगा ये अलग अलग संख्या रहेगा लिखेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको ट्रांसपोज के रूप में निकालना है, थ्री और ये भी ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में बताया गया ना कि रो को कॉलम में जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये 6, 3 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12, तो ये आपका LHS निकल गया। अब हम लोग RHS निकालेंगे, तो जब RHS यहाँ से निकालिएगा, RHS भी बहुत ईजी है, यानी 3b ट्रांसपोज, तो क्या करना है बी को हम लोग ट्रांसपोज के रूप में पहले बदल देना है, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ध्यान दीजिएगा ये हो गया 3। बी का जब वैल्यू आपका यहाँ दे दिया गया है आप यहाँ देख सकते हैं 2, 1, तो इसको हम लोग रो में लिखेंगे ना, जो कॉलम है उसको रो में लिखेंगे, ये हो जाएगा 2, 1, ये होगा 3 और ये होगा 4। आप यहाँ देख सकते हैं इसको चेंज किया गया है, यानी हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यानी जब ट्रांसपोज में निकालेगा तो ऑलरेडी हो जाएगा रो को कॉलम में। अब यहाँ से मल्टीप्लाई जब कीजिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 में 2 से होगा तो 6 होगा, फिर आपका होगा कितना होगा 9 होगा, और यहाँ होगा 3 और ये हो जाएगा 12। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं therefore LHS = RHS, बहुत ईजी है, आप अगर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके बना सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो 3 नंबर भी क्वेश्चन क्या है बहुत ईजी है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, ये फॉर्मूला भी होता है जब ट्रांसपोज रहेगा, ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज जब रहता है तो वो वैल्यू सेम हो ही रहता है, जैसे यहाँ ए होगा तो इसका वैल्यू जो होगा ए होगा, बी होगा तो बी होगा। तो हम लोग LHS लेके निकालेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पहले आप निकालिए ए ट्रांसपोज, उसके बाद फिर हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इसको, तो जब ए ट्रांसपोज निकालिएगा तो ए का वैल्यू आपका दिएगा 5, 1, तो ये आपका रो में जाएगा, ये आपका होगा 5 और -1, फिर क्या होगा 6, 7, यह क्या नहीं 6, 7। अब हम लोग क्या करना है इसको भी हम लोग को कन्वर्ट करना है किसके रूप में, ट्रांसपोज के रूप में, ध्यान दीजिएगा ये हो गया ट्रांसपोज, फिर इसको ब्रैकेट क्लोज करके ट्रांसपोज देना है, तो हम लोग चेंज करेंगे तो फिर वही चीज आ जाएगा 5, 6, -1, 7, यही नहीं आएगा। देखिए तो दोनों वैल्यू क्या है आपका बराबर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से RHS ले लेंगे, RHS ए का वैल्यू क्या दिया है, ए का वैल्यू तो ऑलरेडी यही दिया गया है
फाइव माइनस वन सिक्स है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, दोनों साइड आपका बराबर आ गया, ये आपका प्रूव हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर चार, एल एच एस तो आपका इतना आ गया, आर एच एस में क्या करना है, सी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो हम लोग इसको ट्रांसपोज के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा रो को कॉलम में जाएगा ना, ये यहाँ लिख सकते हैं, यह होगा वन थ्री, वन आ गया थ्री आ गया, फिर क्या होगा माइनस वन, ये होगा फोर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए अब यहाँ होगा ए को भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे यानी ट्रांसपोज में बदलेंगे तो कितना होगा, फाइव माइनस वन ये हो जाएगा सिक्स और ये होगा सेवन। अब हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है या सी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब यहाँ से मल्टीप्लाई जब कीजिएगा ध्यान दीजिएगा, वन में फाइव से तो कितना होगा फाइव होगा, फिर माइनस वन और माइनस वन प्लस वन होगा, मल्टीप्लाई जब होगा फिर क्या होगा, वन में सिक्स से तो सिक्स ना होगा, फिर माइनस वन में सेवन से तो माइनस सेवन। अब यहाँ हो जाएगा आपका ध्यान दीजिएगा, थ्री में फाइव से फिफ्टीन, फिर फोर में माइनस वन से माइनस फोर, फिर थ्री में सिक्स से एटीन, आपका हो जाएगा फोर में सेवन से थ्री हो जाएगा ट्वेंटी एट। अब इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं सी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, अब ये कितना आ जाएगा आपका ध्यान दीजिएगा, ये होगा सिक्स, ये होगा माइनस वन और ये होगा इलेवन और ये होगा फोर्टी सिक्स। दोनों जब बराबर नहीं आएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, देखिए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव का फोर, अगर फोर बन जाएगा तो आप लोग फाइव बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन जो दे दिया गया हम लोग को ए सी ट्रांसपोज और निकालना है इज इक्वल टू में सी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, हम लोग को दोनों को बराबर बनाना है, तो इसमें हम लोग निकालेंगे पहले ए सी यानी ए का वैल्यू लिख दीजिए और सी का मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस वन ये हो जाएगा सेवन, फिर सी का वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं दे दिया गया है वन थ्री माइनस वन फोर, वन थ्री माइनस वन फोर। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा, जब मल्टीप्लाई किया ए सी इज इक्वल टू कितना होगा, फाइव में वन से कितना होगा फाइव होगा, फिर माइनस वन और माइनस वन तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बीच में प्लस का सिंबल होगा, फिर क्या होगा फाइव में थ्री से फिफ्टीन यानी पंद्रह होगा तीन पच्चे, फिर होगा माइनस वन में फोर से तो कितना होगा माइनस फोर। उसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई करना है, सिक्स में वन से मल्टीप्लाई होगा तो सिक्स होगा, फिर सेवन में माइनस वन से तो कितना होगा माइनस सेवन। अब यहाँ होगा सिक्स में थ्री से यह होगा आपका एटीन और सेवन में होगा फोर से तो कितना होगा ट्वेंटी एट। अब हम लोग क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा ये हो जाएगा सिक्स, ये होगा इलेवन और यहाँ होगा माइनस वन और ये होगा फोर्टी सिक्स। अब हम लोग क्या निकालना है, ट्रांसपोज के रूप में निकालना है, तो यहाँ देख सकते हैं ए सी और ये ट्रांसपोज में आएगा तो क्या होगा, रो वाले कॉलम और कॉलम वाले रो में ये हो जाएगा सिक्स इलेवन माइनस वन फोर्टी सिक्स। अब हम लोग निकालेंगे आर एच एस यानी क्या निकालना है, सी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यहाँ देख सकते हैं आर एच एस यानी सी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो वैल्यू आपका दिया गया है सी का वैल्यू दिया है वन थ्री है तो इसको हम लोग रो में लिखेंगे, ये होगा वन थ्री, फिर कितना होगा माइनस वन फोर, माइनस वन ये हो गया फोर, फिर ए का वैल्यू दे दिया गया इसको हम लोग ट्रांसपोज में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, फाइव माइनस वन, फाइव माइनस वन ये हो जाएगा सिक्स सेवन। अब यहां से आपको मल्टीप्लाई करना है ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा सी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू वन में फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो फाइव होगा, फिर होगा माइनस वन में माइनस वन से तो कितना होगा प्लस वन होगा, उसी प्रकार वन में सिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो सिक्स होगा, फिर माइनस वन में सेवन से तो माइनस सेवन। अब यहां दिया है थ्री में फाइव से कितना होगा फिफ्टीन, फिर फोर में माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा माइनस फोर, और यहाँ थ्री में सिक्स से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा एटीन, अब फोर में जब सेवन से होगा तो होगा ट्वेंटी एट, और इसको ऐड कर दीजिए दोनों साइड इक्वल आएगा ये होगा सिक्स ये माइनस वन ये आएगा इलेवन और ये आएगा फोर्टी सिक्स। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये हो गया आपका सत्यापित हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर पांच को बना सकते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर छह का ए, तो आपका क्वेश्चन दे दिया गया ना, हम लोग को सत्यापित करके मंगाना है ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई टू, तो आई टू का जो वैल्यू होता है आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो होगा वन जीरो जीरो वन, हम
लोग इतना फाइंड करना है, यानी एलएचएस से आरएचएस मंगाना है। तो हम लोग यहाँ से एलएचएस लेंगे, एलएचएस क्या होगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए। सबसे पहले हम लोग इसको बदलेंगे क्या चीज में, ट्रांसपोज के रूप में, ए ट्रांसपोज, यानी ये होगा कॉस अल्फा, ये होगा साइन अल्फा, ये आ गया। फिर होगा माइनस साइन अल्फा, आइए हो जाएगा कॉस अल्फा। इसको तो हम लोग ट्रांसपोज में बदल दिए, लेकिन यहां दिया गया इंटू में ए, तो ए का जो वैल्यू होगा सेम वैसा ही लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये होगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये होगा माइनस साइन अल्फा, और यह होगा कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई जब कीजिएगा ध्यान दीजिएगा, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर क्या होगा साइन अल्फा, साइन अल्फा दोनों में क्या है माइनस, तो माइनस में जुट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर क्या होगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो दोनों अलग अलग होगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि माइनस इसमें है प्लस है, तो प्लस माइनस तो ऑलरेडी माइनस होगा, यहाँ लिख सकते हैं साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब दूसरा टर्म इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और यहां पर आपका दे दिया गया है, फिर देखिए यहां प्लस है दूसरा का माइनस, तो माइनस होगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यानी कॉस अल्फा ये हो जाएगा साइन अल्फा। फिर नेक्स्ट दिया गया है साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर प्लस में कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा यानी कॉस स्क्वायर अल्फा। जब दोनों का ऐड कीजिएगा तो ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू, या इसका वैल्यू जो होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है ए, यहाँ हो जाएगा वन, ये वाला दोनों तो कट ही जाएगा, ये भी कटेगा, ये हो जाएगा जीरो, यहाँ होगा जीरो, ये हो जाएगा वन। अब एलएचएस निकालिए, आरएचएस में हम लोग क्या सिद्ध करना था, आई टू बराबर वन जीरो जीरो वन, तो दोनों वैल्यू तो बराबर ही आ गए, यहां लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आर एच एस, या लिख सकते हैं आप कि ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई टू, ये आपका हो जाएगा टू। और सिक्स का क्वेश्चन नंबर टू जो दिया गया है हम लोगों को साबित करके मंगाना है आई, यानी आई का जो वैल्यू होता है आप यहाँ देख सकते हैं वन जीरो जीरो वन, यानी ए ट्रांसपोज इंटू ए को निकाल करके हम लोग इतना वैल्यू लिखना होगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एल एच एस यानी ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू, ट्रांसपोज में इसको बदलिएगा तो रो वाले कॉलम में साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा। और एक बार फिर लिखेंगे हम लोग ए का वैल्यू जो दिया है साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये होगा माइनस कॉस अल्फा, ये होगा साइन अल्फा। पीछे वाला में जो सब मल्टीप्लाई किया है सिक्स का वन में सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है इसमें, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू साइन अल्फा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर क्या होगा माइनस माइनस दोनों में लगा है तो क्या हो जाएगा प्लस होगा ना कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर ध्यान दीजिए साइन अल्फा कॉस अल्फा अलग अलग है तो अलग अलग लिखेंगे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर क्या हो जाएगा प्लस और माइनस क्या होगा माइनस से ना होगा फिर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब यहाँ से फिर दूसरा का टर्म मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या होगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, दोनों अलग अलग संख्या है, फिर क्या होगा साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, तो क्या होगा माइनस से होगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ध्यान दीजिएगा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस हो जाएगा क्या साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये वाला कट जाएगा दोनों, ये भी कटेगा, इसका वैल्यू जो होता है आप यहां लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू वन जीरो जीरो वन। आर एच एस इसको मना लें, अब यहाँ क्या कर सकते हैं कि अगर आर एच एस आपको लिखना है तो लिख सकते हैं आई, तो आई का वैल्यू ये होता है वन जीरो जीरो वन। अब यहां से आप लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये आपका हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स का वन टू और फाइव का। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना।